याद किया दिल ने कहा हो तुम, झूमती बहार है कहा हो तुम, प्यार से पुकार लो जहां हो तुम, प्यार से पुकार लो जहां हो तुम। याद किया दिल ने कहा हो तुम, झूमती बहार है कहा हो तुम, प्यार से पुकार लो जहां पुकार लो जहां हो तुम। खो रहे हो आज किस ख्याल में, दिल फंसा है बेकसी के जाल में, खो रहे हो आज किस ख्याल में, दिल ने कहा हो तुम, प्यार से पुकार लो जहां हो तुम, प्यार से पुकार लो जहां हो तुम। चुकी है सुबह हो गई, मैं तुम्हारी याद लेके सो गई, रात ढल चुकी है सुबह हो गई, मैं तुम्हारी याद लेके सो गई, अब तो मेरी दास हो तुम। याद किया दिल बाग हो, तुम हमारी राह के चराग हो, तुम हमारी जिंदगी के बाग हो, तुम हमारी राह के चराग हो, मेरे लिए आसमां। याद किया दिल ने कहा तुम, प्यार से पुकार लो जहां हो तुम, प्यार से पुकार लो जहां हो तुम। प्यारा प्यारा ये रात भी।
सी हवा नीलम का गगन कलियों पे ये बेहोशी की नमी ऐसे में भी क्यों बेचैन है दिल जीवन में न जाने क्या है प्यारा प्यारा क्यों आग सी लगा के गुमसुम है चांदनी सोने भी नहीं देता मौसम का ये इशारा ऐसे में कहीं क्या कोई नहीं भूले से जो हमको याद करे जाए उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा क्यों आग से लगा के गुमसुम है चांदनी सोने भी नहीं देता मौसम का ये इशारा ये रात धीरे धीरे ये मस्त बिजाए उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा लता मंगेशकर मन्नाडे की आवाज़ में सुना आपने ये गाना फिल्म चोरी चोरी से 1956 की है ये फिल्म और जानकर ताजुब होगा कि क्यों राज कपूर की फिल्म और मन्नाडे की आवाज़ जबकि सब जानते हैं सिनेमा हिंदी सिनेमा में सभी जानते हैं राज कपूर की आवाज़ बन चुके थे मुकेश तो फिर मन्नाडे की एंट्री इस फिल्म में कैसे हुई सो बात ये थी कि उसी दौरान मुकेश फिल्मों में एक्टिंग करियर आजमा रहे थे तो जब ये फिल्म की शूटिंग हो रही थी तब वो बिजी थे डेट्स नहीं थी उनके पास और चोरी चोरी फिल्म चल रही थी सो अब म्यूजिक तो आगे बढ़ना ही है तो राज कपूर उनको मन्नाडे की आवाज़ बहुत सही लग रही थी और उनको पसंद थी तो इस तरह से राज कपूर के कहने पर मन्नाडे उन्होंने राज कपूर की फिल्म चोरी चोरी और श्री 420 इन दोनों फिल्मों में गाने दिए और तब तक मुकेश फिल्म करियर को बाय कह चुके थे बाय बाय और फिर से मुकेश राज कपूर की सारी फिल्मों में उन्होंने आवाज़ दी पर फिर से ब्रेक आया 1970 एक फिल्म आई जिसमें फिर से राज कपूर उन्होंने चाहा कि ये गाना तो मन्नाडे ही गाए और यस 1970 की वो फिल्म जिसमें मन्नाडे ने गाना गाया और उन्हें नेशनल अवार्ड मिला कौन सा था वो गाना वो गाना था मेरा नाम जोकर फिल्म का ए भाई ऐसे ही दिलचस्प किस्से गोल्डन ईरा फिल्म हिंदी सिनेमा का उनकी पर्दों के पीछे के किस्से मैं आपको बताने वाली हूँ सो कीप लिसनिंग टू एफएम रेनबो दिल से दिल तक
याद दिल को बता दे तो हम नींद के पलकों को इस दिल को सजा दे तो हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो हम नींद के पलकों को इस दिल को सजा दे तो हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो इन जुल्फों में गूंदेंगे हम फूल मोहब्बत के समझे अच्छा जी मैं हारी चलूं जाओ ना देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना अच्छा जी मैं हारी चलूं जाओ ना देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना
लूटेंगे ये जिंदगी को कर खा के हम जीवन के ये रास्ते लंबे हैं सनम काटेंगे ये जिंदगी को कर खा के हम ए जालिम साथ ले ले अच्छे हम अकेले जालिम साथ ले ले अच्छे हम अकेले चार कदम भी चल न सकोगे समझे हाँ समझे अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना तो खैर लूटना जीने के मजे क्या करना है जीते हो रहना किसी के क्या करना है जीते और हो रहना किसी के हम न रहे तो याद करोगे समझे समझे अच्छा जी मैं हारी चलो जाओ ना देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना अच्छा जी मैं चलो मान जाओ ना देखी सबकी यारी मेरा दिल जला आशा भोसले मोहम्मद रफी की आवाज़ में सुना आपने ये गाना मजरू सुल्तानपुरी के बोल एस डी बर्मन का संगीत फिल्म काला पानी 1957 में आई थी राज खोसला ने ये फिल्म डायरेक्ट की थी और राज खोसला सस्पेंस के लिए जाने जाते हैं बात करने वाली वो फिल्म काला पानी और देव आनंद की फैन फॉलोइंग जो पीक पर पहुंच चुकी थी इस फिल्म के रिलीज के बाद ऑफकोर्स देव आनंद ऑलरेडी एस्टैब्लिश स्टार हो चुके थे बट इस फिल्म ने कुछ ऐसा कर दिया था कि गवर्नमेंट थोड़ी कंसर्न हो गई थी रीज़न ये था कि उनका जो लुक है आज भी उनका ब्लैक कोट हमेशा ही चर्चित रहता है और उस पर चर्चा होती रहती है कि हाउ हैंडसम ही वॉज लुकिंग इन अ ब्लैक कोट एंड वाइट शर्ट उनका ये जो लुक था उनकी एक झलक देखने के लिए वेल ऐसा कहा जाता है अगर आपके पास कोई घर में जिन्होंने देवानंद का ईरा देखा हो सो उनसे ये किस्से सुनने को ज़रूर मिल जाएंगे कि देवानंद पे जान छिड़क देती थी महिलाएं उनकी एक झलक देखने के लिए यस ये किस्से आपको वेल आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है इंटरनेट पे भी पढ़ने को मिल जाएंगे कि बिल्डिंग से कूद जाती थी इस वजह से उनका ये जो किलर लुक था वो पब्लिक में आए तो बहुत ज़्यादा कंसर्न और सिक्योरिटी चाहिए होगी सो इस वजह से देवानंद कभी पब्लिक में ब्लैक कोट नहीं पहना करते थे और ये किस्सा इतना फेमस है मैंने सोचा आज फिर से वही किस्सा दोहराया जाए जब हम रेनबो रिवाइंड में वही गोल्डन ईरा के गाने सुन रहे हैं तो वही किस्से क्यों ना फिर से सुने वेल अगले दो गाने उसके बाद एक और दिलचस्प किस्सा बताने वाली हूँ सो कीप लिसनिंग टू एफएम रेनबो दिल से दिल तक
मुझको लगता है डर तेरा मेरा प्यार अमर फिर क्यों मुझको लगता है डर ओ हो 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 खोया खोया चांद खुला आसमान आँखों में सारी रात जाएगी तुमको भी कैसे नींद आएगी ओ खोया खोया चांद खुला आसमान आँखों में सारी रात जाएगी तुमको भी कैसे नींद आएगी ओ खोया खोया जा मस्ती भरी हवा जो चली मस्ती भरी हवा जो चली खिल खिल गई ये दिल की कली मन की गली में है खलबली के उनको तो बुलाओ हो 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 खोया खोया चांद खुला आसमान आँखों में सारी रात जाएगी तुमको भी कैसे नींद आएगी ओ खोया खोया जा तारे चले नजारे चले चले नजारे चले संग संग मेरे वो सारे चले चारों तरफ इशारे चले किसी के तो हो जाओ ओ हो हो खोया खोया जा खुला आसमान आँखों में सारी रात जाएगी तुमको भी कैसे नींद आएगी ओ खोया खोया जा ओ ओ ऐसी ही रात भीगी सी रात ऐसी ही रात भीगी सी रात हाथों में हाथ होते वो साथ कह लेते उनसे दिल की ये बात अब तो ना सताओ ओ हो हो खोया खोया चांद खुला आसमान आँखों में सारी रात जाएगी तुमको भी कैसे नींद आएगी ओ खोया खोया जा हम मिट चले जिनके लिए चले हैं जिनके लिए बिन कुछ कहे वो चुप चुप रहे कोई जरा ये उनसे कहे ना ऐसे आजमाओ ओ हो हो खोया खोया चांद खुला आसमान आँखों में जारी रात जाएगी तुमको भी कैसे नींद आएगी ओ खोया खोया चांद 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 खोया खोया चांद
मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सुना आपने ये गाना फिल्म काला बाजार से। एस डी बर्मन का संगीत है, शैलेंद्र के बोल है। फिल्म काला बाजार एक ऐसी फिल्म है जो देव आनंद और वहीदा रहमान की कई फिल्मों में से एक है, बहुत ही नोटेबल फिल्म थी। वैसे इन दोनों की जोड़ी की बात करें, नील कमल, 20 साल बाद, खामोशी, गाइड, CID, 16 साल, बहुत सारी फिल्में हैं। तो काफ़ी सारे किस्से बहुत सारी फिल्मों के मशहूर भी हैं, जैसे गाइड फिल्म के किस्से बहुत मशहूर हैं, बट मैं काला बाजार के वक्त एक ऐसे किस्से की बात करना चाह रही हूँ जिससे सुन के आपको लगेगा कि वहीदा रहमान की फिल्मों के ऐसे किस्से और भी हैं और दूसरी फिल्मों के भी हैं, बट सिमिलर किस्से हैं। सो कौन सा वो किस्सा है जो आपको सुनते हैं तो लगता है हाँ तो ये तो सेम ही किस्सा है? हाँ बिल्कुल, वो कपड़ों को लेकर बहुत ही कंसर्न रहती थी, बहुत ही प्रोटेक्टिव रहती थी। अगर उनको कैरेक्टर और ड्रेसिंग में ज़रा सा भी इधर उधर होता था तो वो ऑब्जेक्शन उठाती थी। सो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से बात होती थी, यस उनको दिक्कत भी होती थी, अरे इस सीन में इतना क्या है। सो काला बाजार फिल्म की शूटिंग के दौरान एक सीन करना था उनको जिसमें वो क्लिफ पे है और वहाँ से गिर जाती है, तो अपनी साड़ी को वो रस्सी बनाकर वो अपनी जान बचाती है। तो इसमें बिल्कुल साड़ी को रस्सी बनाएगी तो साड़ी उनके कंधे पे नहीं होगी। अब ऐसे सीन थे तो उनको ऑब्जेक्शन था, उन्होंने प्रोड्यूसर डायरेक्टर से बात की, बिल्कुल थोड़ी प्रॉब्लम हुई होगी सेट पर भी। सो ये पहली बार नहीं थी, बट वो रेफरेंस के साथ ये बात करती थी कि अगर वो फिल्म की डिमांड नहीं है, फिल्म का कैरेक्टर नहीं है, तो मेरे कंधे से, मेरे सर से लेके पांव तक मेरे कपड़ों में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। बहुत शाई नेचर की है वो, और उन्होंने रेफरेंस एक फिल्म का लिया था, जैसे आम्रपाली फिल्म देख लीजिए, वैजंती वाला, उनका कॉस्ट्यूम कि हाँ अगर 2500 साल पहले की कोई सेटिंग है जिसमें उस तरह के अटायर थे, रिसर्च करके देख सकते हैं कि हाँ तब ऐसे उस ज़माने में ऐसे कपड़े बनते थे और कैरेक्टर को वही पहनना पड़ता है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो कपड़े भी एक कहानी कहते हैं। पर ज़्यादातर अगर आप वहीदा रहमान की फिल्में देखें तो उनकी फिल्मों में वो अपने कल्चर को बहुत ही प्रोटेक्ट करके चलती हैं, आज भी करती हैं, और उनके कई सारे इंटरव्यूज़ अगर आप देखें तो ये ही सारे किस्से बार बार दोहराए जाते हैं। अब इन दो गानों के बाद मैं आपको एक और दिलचस्प किस्सा सुनाऊंगी जिससे आप में एनर्जी आ जाएगी, और यस रेनबो रिवाइंड हमारा पहला पड़ाव है और अभी भी थोड़े गाने बाकी हैं। सो कीप लिसनिंग टू एफएम रेनबो, दिल से दिल तक।
महफिल सवारी है इस पल के गर्मी ने धड़कन उभारी है इस पल के होने से दुनिया हमारी है ये पल जो देखो तो सदियों पे भारी है जीने वाले सोच ले यही वक्त है रही है सुबह प्यार की
के हम सफर थके घर जो चले घूमती आ रही है सुबह प्यार की कर दिए आंखों आंखों से जो मैंने तुमने पिए होश तो अब तलक जाके लौटे नहीं होश तो अब तलक जाके लौटे नहीं और क्या ला रही है सुबह प्यार की रात की कसम इस नई राह पर हमने रखे कदम सुख सका प्यार जब हम छुपाए तो क्या सुख सका प्यार जब हम छुपाए तो क्या सब समझ पा रही है सुबह प्यार की रात के हम सफर थके घर को चले एन इवनिंग इन पैरिस फिल्म का गाना सुना आपने मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में शंकर जयकिशन का संगीत 11:45 हो चुके हैं बात कर रही थी पर्दे के पीछे के ये जो किस्से हैं सो जिस तरह से सबको पता है राज कपूर की आवाज़ मुकेश बने थे उसी तरह शम्मी कपूर और मोहम्मद रफ़ी की जोड़ी लाजवाब थी शम्मी कपूर खुद कहते थे कि उनकी फिल्में ज़्यादातर वो सक्सेसफुल जो हुई वो बिकॉज ऑफ म्यूज़िक और बिकॉज ऑफ मोहम्मद रफ़ी उनकी आवाज़ की वजह से उनके सारे गाने आज भी स्कूल की कॉम्पिटिशन फंक्शन में वही सारे गाने हम प्ले करते हैं और वही एक्टिंग करते हैं शम्मी कपूर के बारे में आमिर खान यहाँ तक कहते हैं कि शम्मी कपूर को इंडिया का एल्विस प्रिस्ली नहीं बट एल्विस प्रिस्ली को कहना चाहिए वो इंडिया का अमेरिका का शम्मी कपूर है सो इस हद तक उनके गाने उनके डांसिंग मूवमेंट फेमस थे और शम्मी कपूर ही यूज़ टू मेक श्योर कि जब भी मोहम्मद रफ़ी उनके फिल्मों के गानों की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो वो वहाँ पे मौजूद हो अगर किसी भी वजह से अगर वो सेट पर नहीं पहुँच पाए या नहीं हो पाए तो फिर वो कॉल करके हमेशा उनसे पूछते थे रफ़ी मोहम्मद रफ़ी को कॉल करके पूछते थे कि कैसा रहा रिकॉर्डिंग और ये जो आंसर वो देते थे वो बहुत ही दिलचस्प है
मोहम्मद रफ़ी कहते थे कि मैंने ये लाइन गाई, मैंने सोचा इस पर शम्मी ऐसे कूदेगा, दूसरी लाइन गाई इस पर मैंने सोचा कि शम्मी कपूर के हाथ ऐसे होंगे, ये वाली लाइन गाई तब मैंने ये सोचा कि शम्मी कपूर के पैरों की मूवमेंट ऐसी होगी। सो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो सिंक्रोनाइजेशन हुआ है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ और शम्मी कपूर के डांस स्टेप का, उसके पीछे क्या इमेजिनेशन है। दोनों ही आर्टिस्ट इतने एनग्रोस थे इस मैजिक को क्रिएट करने में। वेल, रेनबो रिवाइंड का पहला पड़ाव बस खत्म होने को है और ये पहले पड़ाव के आखिरी दो तीन गाने हैं जो मैं बजाने वाली हूँ, पर हमारा ऐसा ही दिलचस्प सफर जारी रहेगा रेनबो रिवाइंड का ठीक 12 बजे भी। कीप लिसनिंग टू एफएम रेनबो, दिल से दिल तक। No.
ना मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं, दिल नवाजी की न तुम मेरी तरफ देखो, गलत अंदाज नजरों से न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए, मेरी बातों में न जाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नजरों से। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। कहते हैं कि ये जलवे पराए हैं, मेरे हमराह भी रुसवाइयां हैं मेरे माजी की, मेरे हमराह भी रुसवाइयां हैं मेरे माजी की, तुम्हारे साथ भी गुजरी के साए हैं। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। तालुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार। चले थे साथ मिलके चलेंगे साथ मिलकर, चले थे साथ मिलके चलेंगे साथ मिलकर, तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर, चले थे साथ मिलके चलेंगे साथ मिलकर, तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी सुनकर, चले थे साथ मिलके।
तुम्हारी ये अदाएं हमें जीने न देंगी, तुम्हारी ये निगाहें समझ लो बात दिल की, तुम्हें देंगे दुआएं, चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर, तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर, चले थे साथ मिलके। होश कर दो, भड़क उठे हैं शोले, इन्हें खामोश कर दो, हमारा होश ले लो, हमें बेहोश कर दो, चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर, तुम्हें रुकना सुनकर, चले थे साथ मिलके। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। अब इंतजार करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि अब आप हमें ऑनलाइन भी सुन सकते हैं। कैसे? प्ले स्टोर में जाकर प्रसार भारती का न्यूज ऑन एयर ऐप डाउनलोड कीजिए, एफएम रेनबो मुंबई को अपनी फेवरेट लिस्ट में ऐड करके आप हमसे जुड़ सकते हैं 24/7। हाय, मैं हूँ सलीम।